नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो इन दिनों लगातार सरकार को घेरने में लगे, जो मौजूदा समय को देखते हुए सरकार को पुरजोर तरीके से घेर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है, कई मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने धीमी वैक्सीन की नीति, इसके साथ ही साथ टीकाकरण और बाकी अन्य मुद्दे जैसे देश की अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ रही बेरोजगारी, इसको लेकर भी निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें मौजूदा समय के अंदर राहुल गांधी ने गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी पिछले साल यानी बीते साल भारतीय जवानों और चीन के जो सैनिक है उनके बीच, उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने सरकार को बताया कि सरकार अगर एक्टिव रहती और सरकार जिस तरह का काम करती दिखाई दे रही है, सरकार अगर उस तरह का काम ना करती तो शायद स्थितियां इतनी खराब नहीं होती और भारत के जो जवान है वो चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते। हालांकि अगर बात करें गलवान घाटी के समय जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारतीय जो जवान है, भारतीय सेना के जवान, वो चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे। यहाँ तक की स्थिति थी कि चीनी सैनिक जो है वो दुम दबाकर भाग गए थे, यानी कि देखने को मिला कि भारतीय जवानों ने पूरी तरह चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी ने गलवान घाटी पर सरकार को सलाह दी है और सरकार को क्या कुछ कहा है लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं बल्कि वो जमीनी स्तर पर भी मोदी सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें समय समय पर राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आंकड़ों के जरिए ये भी बताने की कोशिश की है कि सरकार कितने बड़े बड़े स्तर पर अभी तक फेल हुई है। इस बीच देखने को मिला कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष पुराना एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। दरअसल राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में पिछले साल भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, इस पर अपनी बात रखी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे जबकि चीन ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। अब इस झड़प को लगभग एक साल होने को आया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में एक जापानीज फिलोसोफर के एक लाइन को कोट करते हुए कहा, समझ मजबूत हो लेकिन नजरिया कमजोर हो, ये सही नहीं। रणनीति ऐसे बनाए जाए कि दूर की चीज भी आपको पास लगे, यानी कि नामुमकिन काम भी मुमकिन लगे। अगर कोई चीज नजदीक भी है तो उसे दूरगामी नजरिए से देखें। दीर्घकाल तक होने वाले प्रभावों पर जरूर गौर करें। मालूम हो कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से लगातार पीएम पर हमलावर हैं। कभी वैक्सीन की कमी को लेकर तो कभी अस्पताल की बदहाली पर राहुल गांधी और मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। बीते दिनों भी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए लोगों से मुफ्त वैक्सीन के लिए आवाज उठाने की अपील कही थी। कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, केंद्र को जगाइए, ये राहुल गांधी का कहना था। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने अभी तक कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो सरकार ने राहुल के किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस वक्त डरी हुई है और वो राहुल गांधी के किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रही। आपको बता दें मौजूदा समय के अंदर कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, इसके साथ ही साथ पंजाब विधानसभा चुनाव है, गुजरात विधानसभा चुनाव है और इसके आगे अगर चला जाता है तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, यानी कि अगले साल से चुनावी दौर शुरू हो जाएगा और चुनावी दौर से पहले बीजेपी के लिए कोई भी शुभ संकेत
दिखते नजर नहीं आ रहे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद देश की जनता के सामने मोदी सरकार का सारा सच आकर खड़ा हो गया। देश की जनता को ये पता चल चुका है कि सरकार ने ना तो हेल्थ सेक्टर पर काम किया, ना युवाओं को लेकर काम किया, ना देश की अर्थव्यवस्था पर काम किया, और कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने सारी जिम्मेदारियां यानी कि देश को जिस तरह से निजी हाथों में सौंप दिया, निजी हाथों में बेच दिया, उसके बाद से तो देश की जनता और सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सरकार इस वक्त पूरी तरह से हाथ खड़े करते दिखाई दे रही है, लेकिन जनता अब सरकार से सवाल पूछ रही है और जनता का पूरा पूरा गुस्सा अब सरकार पर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने इतने 7 वर्षों के दौरान कोई बड़ा काम नहीं किया और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार देश को संभाल पाने में भी असफल रही। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियाँ भी सरकार से सवाल पूछ रही हैं और अब देश की जनता भी सरकार के खिलाफ जाती नजर आ रही है और देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास ना विपक्ष के सवालों का जवाब है और ना ही देश की जनता के सवालों का जवाब। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ना सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि देश की जनता को सच भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों देखने को मिला था कि राहुल गांधी ने देश की जनता से साथ आने की अपील की थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता का साथ उन्हें चाहिए, देश की जनता उनके साथ आकर खड़ी होगी, देश की जनता भी अगर सरकार को बताएगी, सरकार को जगाएगी, तब जाकर स्थितियां और ज्यादा बेहतर होगी। दरअसल अगर बात करें तो मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 7 वर्षों में हुआ क्या है अब आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल इन 7 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर आकर गिर चुकी है। -7.5% जो है वो देश की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे देश में साल 2014 के बाद से जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि सरकार ना देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाई, ना देश के युवाओं का सपना संभाल पाई, ना किसानों को संभाल पाई, और कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए सरकार ने देश की संपत्ति निजी हाथों में भी सौंप दी। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने किस तरह से देश में जो कदम उठाए वो किसी स्तर पर सही नहीं हुए और बल्कि देश की जनता को और नुकसान का सामना करना पड़ा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।